हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बंटी स्टडी बाय GKGS। तो चलिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन करते हैं GKGS का। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्थान इसरो जो स्थित है वो है बंगलुरु में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वह है एक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा जो है सर्वप्रथम कहवा बागान जो लगाए गए थे वो चिकमंगलूर जनपद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड प्रबंधन में नहीं है? तो वो जो है वो है जमदेशपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1930 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है वह है? तो सबसे अधिक जो है हाथियों पाई जाती है काजीरंगा अभयारण्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह है कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र बदलता है? तो एक विद्युत जनित्र जो बदलता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौरा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका की घास के मैदान को जो है पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है? तो वह कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, यानी शीतल बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो वह है बेगुला धारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को एली कहा जाता है? तो मिसिपिया मैदान को जो है एली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक घाटी जानी जाती है? तो मृतक घाटी जो है वह अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
हुई थी। तो बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है 10 दिसंबर 1993 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और अगर बोले मानवाधिकार दिवस, ठीक है, अगर दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोलोवा एक संकरीय ज्वालामुखी है। तो मोनोलोवा एक संकरीय ज्वालामुखी जो है वह है हवाई का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर चरवाहे नहीं है। तो मसाई जो है ये भी घुमक्कर चरवाहे हैं, कजाक भी है और लेप भी है। ठीक है, लेकिन पिग्मी जो है वह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला क्वेश्चन है, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो विश्व में जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसको जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अन्नामुदाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं परजैविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की हरित गृह गैस में भारत का अधिभाग है। तो विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का 1% भाग है मात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्ष में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। तो पर्यावरण संकट जो है वो यूकोलिप्टस को माना जाता है, क्योंकि यूकोलिप्टस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन से पानी सोख लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक जो है वह है मध्य प्रदेश, जिसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह जो होता है उसमें अधिकांश निर्णय जो लिया जाता है वो लिया जाता है सदस्य के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है सरहुल जनजाति, ठीक है, यानी जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो संथाल जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दीपावली को शौक का त्यौहार मनाती है, तो दीपावली को शौक का त्यौहार जो मनाती है वो थारू जनजाति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण पिता जो लिनियस को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है वह है रामेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर दूरबीन वेधशाला जो है वह है भारत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो यंत्र एवं मशीनें जो है वो भौतिक पूंजी का उदाहरण है, भवन भी है, कच्चा माल भी है, ठीक है, लेकिन शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है वह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एक्सचुरी बनाती है, तो गोदावरी नहीं बनाती है, कावेरी भी नहीं बनाती है, महानदी भी नहीं बनाती है, ताप्ती बनाती है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां बनाती है एस्चुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई जो है ये यूपी में होता है नलकूपों से, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो मानसून का आगमन जो है भारत के सबसे पहले केरल राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है अनुषंगी नगर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वो संतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो वो इनमें से कौन है, तो वह है सेलामेंडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किम्बरले प्रसिद्ध है, तो किम्बरले जो है हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा जो है वह दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडन एंड स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वह है कोयला, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं,
तो विश्व के वन्य जीव जो है भारत में मात्र 5% पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है, तो देश की विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक जो है वह है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी है, तो वह है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो वह है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो वह है कपूरथला पंजाब और पेरम्बलूर तमिलनाडु, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के जो है जलाशय का प्रमाण जो है धौलावीरा यानी गुजरात में मिला है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो विश्व में जो है सबसे पहले परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था यूएसए में यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है, तो सबसे अधिक जो खारा जो है वह मृत सागर का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो स्थित है वह है पुणे में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये अभी आपको बताते थे कि यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत में संप्रभु जो है वह भारत के लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को, ठीक है, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो सुनामी शब्द जो है वह जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो एनरिको फर्मी के निर्देशन पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के बहिर्मंडल में
अवस्थित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है, तो मेसाबी रेंज जो है लो अयस्क के उत्पाद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो नाजी पार्टी की स्थापना जो है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है, तो शिकांगो को जो है धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण जो है इनमें से कौन नहीं है, तो वह जो है ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश जो है वह है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है वह है उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक प्रकार का उदाहरण है, तो कोयला जो है एक प्रकार का परतदार चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है, तो लुहासा को जो है निषिद्ध नगर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो प्रोटॉन जो है धन आवेश युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो बादल या कोहरा जो है वह द्रव गैस में प्रक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो भारत में जो है बजट निर्माण का कार्य जो है वित्त मंत्रालय जो द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं, तो वह जो है उत्पादक वर्ग में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो है वह ऋण न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो जापान जो है विकसित एवं धनवान देश जो बना है वह बना है मानव संसाधन में निवेश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो निहाल सरीन का संबंध जो है वह शतरंज से है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक जो है वह होता है उत्तल लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में जो है हवा का बुलबुला जो है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो 1917 में जो है प्रथम जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र जो है वह सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वह स्टालिन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।